आउट ऑफ फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान एक पेड़ माँ के नाम के तहत चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से चंडीगढ़ दूरदर्शन में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर चंडीगढ़ पर्यावरण विभाग के निदेशक व चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर टीसी नौटियाल ने अपने सहकर्मियों के साथ उपस्थिति दर्ज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का ये आह्वान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शहरों एवं गांव के लोगों की खुद ब खुद बढ़ती भागीदारी अब सामाजिक क्रांति की शक्ल में बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जो एक मंत्र दिया है, इसको आप किस रूप से देख रहे हैं, कितनी सिग्निफिकेंट है इस तरह के अभियान से? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का मतलब यही है कि सिर्फ पेड़ सिर्फ जंगल में ही नहीं रहने चाहिए, पेड़ जो है आपके घर के आसपास, आपके ऑफिस के आसपास रहने चाहिए। और उस सिलसिले में दूरदर्शन ने बहुत ही अच्छी ये फ्रूट ऑर्चर्ड, ये फलों का बगीचा लगाया है। और यही है कि एक पेड़ माँ के नाम आप एक फल का पौधा लगाएं और आगे जो हमारी आने वाले कलीग्स हैं, साथी हैं, वो इस पेड़ों को का इस्तेमाल करें। यही ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है और यही एक पेड़ माँ के नाम का मेन मैसेज भी है। इस अवसर पर चंडीगढ़ दूरदर्शन के क्लस्टर प्रमुख व उप महानिदेशक अभियांत्रिकी सुमित गोयल ने इस अभियान में बढ़ चढ़ कर सहयोग के लिए चंडीगढ़ पर्यावरण विभाग के अधिकारियों व कर्मियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही चंडीगढ़ दूरदर्शन के अधिकारियों एवं कर्मियों का आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम में अपनी भागीदारी को अवश्य सुनिश्चित करें। आउट ऑफ फॉरेस्ट या यूं कह ले एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान को आपने बहुत ही शिद्दत से अपने अधिकारी और कर्मियों के बीच जो है ना, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज जो इस अभियान के तहत जो प्लांटेशन की गई हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी ने एक बहुत ही उम्दा एक वो शुरू की है मुहिम, क्योंकि डेवलपमेंट की तरफ तो सबका ध्यान जा रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, लेकिन जो हमारे जंगल हैं वो सिमटते जा रहे हैं और अब वहाँ से जो पेड़ हैं वो निकल के अगर जन जन के घरों में और जो जो खाली जगह हैं वहाँ पर लगाए जाएंगे तो पर्यावरण का तो हम जान ही रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है। और उसकी वजह से जो मॉडर्नाइजेशन तो चलनी चाहिए एट द सेम टाइम, लेकिन जो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है उसको कैसे काउंटर करना है, तो मुझे लगता है कि ये मुहिम एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उसको मतलब कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सब लोग डिपार्टमेंट्स और वो और चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर देखिए खुद आए और हमारी इस मुहिम में इतना चार चांद लगा दिए। और मेरे को लगता है कि ये जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं बाकी सब डिपार्टमेंट से, वो इस चीज़ की जो इस जो ये विज़न है मोदी जी की, उसको पूरा करने में बहुत हेल्प करेंगे। वृक्षारोपण समारोह के अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप ने कहा कि इस तरह के अवसर पर आधारित कार्यक्रमों का निर्माण कर सामाजिक जागरूकता के लिए कार्यक्रम अनुभाग हमेशा तत्पर रहता है। एक पेड़ माँ का नाम हो या ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट, ये कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में कार्यक्रम अनुभाग दूरदर्शन ने भी बहुत शिद्दत से अपना योगदान दिया है। एक पेड़ माँ के नाम का जो कॉन्सेप्ट भारत सरकार लेके आई है, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का एक जो दिशा में हमारा जो पूरा विश्व जा रहा है, उसको कम करने की दिशा में ये बहुत अनूठा कदम है। एज कार्यक्रम प्रमुख मेरी यही दायित्व है कि इसकी जितनी से जितनी पब्लिसिटी हम मीडिया द्वारा कर सकें, अपने दूरदर्शन केंद्र के द्वारा कर सकें, इसके लिए हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। जहाँ भी कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसकी प्रॉपर कवरेज करवा कर हम इसे दूरदर्शन के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ सकें। एक पेड़ माँ के नाम पर आधारित वृक्षारोपण समारोह पर चंडीगढ़ दूरदर्शन के अधिकारियों व कर्मियों ने बड़ी तादाद में उपस्थित होकर वृक्षारोपण समारोह में अपना योगदान दिया। Thank you.
पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में विभाग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लेते हुए देश निर्माण एवं सामाजिक ताने बाने में हिंदी के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी आज रोजगार की भाषा बनकर देश को एक सूत्र में बांधने में अपने सफल जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, या भारत सरकार के या राज्य सरकार के जितने भी लैंग्वेज डिपार्टमेंट हैं, उन सभी में ये पूरा महीना खासकर हिंदी पखवाड़े के रूप में हम मनाते हैं। तो हमें खुशी है और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हिंदी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है और अभी बढ़ेगी, क्योंकि UNO में जिस तरह से हिंदी का प्रपोजल भारत सरकार ने भेज रखा है और जिस दिन उस पर कोई सकारात्मक अगर कार्रवाई होती है, तो मुझे लगता है कि हिंदी वो भाषा बनेगी जो आज विश्व में जिस प्रकार से अंग्रेजी या चाइनीज भाषा का बोलबाला है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम जो भी सोचते, समझते, महसूस करते हैं वो हम हिंदी में करते हैं और अपने भावों की अभिव्यक्ति भी हम हिंदी में ही करते हैं। तो इस कार्यक्रम में भी हिंदी के ऊपर एक उद्बोधन रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है, बाहर से लोगों को बुलाया गया है जो हिंदी पर अपने विचारों को रख रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हिंदी के प्रति समर्पण भाव कैसे अपना रखें। मैं एक चार पंक्तियाँ सुनाता हूँ हिंदी दिवस पर कि माँ तो केवल माँ होती है, माँ की क्या परिभाषा है, माँ है इतनी सुंदर जितनी सुंदर हिंदी भाषा है। हिंदी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, हिंदी विभाग भी उसी जोर शोर से यहाँ पर हिंदी विभाग में हिंदी दिवस को मना रहे हैं। हमारे विभाग में हमारे विभागाध्यक्ष जी के प्रयास से आज हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हमारे परास्नातक और प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इसमें जोर शोर से अपने कार्यक्रम पे भाग ले रहे हैं। विदित है कि पूरे देश में हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है एवं हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन देश भर में किया जाता है। बदलते खान पान एवं लाइफ स्टाइल के कारण पिछले 2 दशकों में पेट संबंधित बीमारियों में काफी वृद्धि देखी जा रही है। नाभी के ऊपर ना जैसे बहुत ज्यादा जलन सी होती है, जब भी कुछ खाए वाला चाय पी ली है या कुछ खाने के बाद एकदम से थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा जलन सी हो जाती है और ज़्यादातर हेडेक भी रहती है। कि मेरा पेट में जो है ना बराबर गैस मतलब कि दर्द होते रहता है, खाना खाए भूख की इच्छा कम होती है और खाना तो टाइम टू टाइम खा ही लेते लेकिन फिर भी जो है ना लगता नहीं है जो पेट भरा है। विशेषज्ञ डॉक्टर का मानना है कि लाइफ स्टाइल में बदलाव के साथ साथ फिजिकल कार्यों में आई कमी भी पेट संबंधित बढ़ती बीमारियों का एक मुख्य कारण है। ज़्यादातर ये है कि हमारी या तो फूड मूवमेंट स्लो है जिसको गैस्ट्रोपरेसिस कहते हैं, सो ये कई बार थायराइड वाली बीमारी को के कारण होता है, कई बार डायबिटीज़ वालों को होता है, सो उसके कारण होती है, या कई बार ओबेसिटी का कारण होती है। लेकिन जो सबसे कॉमन रीज़न ये है कि हमारे जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो जगह अगर लूज हो जाती है सो उसके कारण रिफ्लक्स सिम्टोमेटिक रिफ्लक्स होते हैं, रिफ्लक्स के कारण सिम्टम्स आते हैं। सो ऑब्वियसली इसको ठीक रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। हमें जितनी ज़्यादा हो, आजकल तो सारे लोग स्मार्ट वॉच पहन रहे होते हैं या नहीं तो मोबाइल कैरी कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी एक्टिविटी ट्रैक करनी चाहिए। दूसरा है कि हमें जब हम खाना खाते हैं हमारा पेट भरा हुआ है तो इमीडिएटली हमें जाके लेटना नहीं चाहिए। हमें कम से कम उसकी पार्शियल एम्प्टिंग, फुल एम्प्टिंग के लिए 4 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, तो 4 घंटे तो नहीं लेकिन कम से कम 2 घंटे के बाद ही हमें जाके बेड पर लेटना चाहिए।
बहरहाल लाइफ स्टाइलियों में ज्यादा से ज्यादा फिजिकल कार्यों के साथ साथ नियमित योगा अपनाकर बहुत हद तक इस तरह के बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। पिछले दिनों स्वच्छता ही सेवा के तहत चंडीगढ़ दूरदर्शन में अधिकारियों एवं कर्मियों ने स्वयं स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे कार्यालय की सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। इस अभियान में कार्यालय प्रमुख एवं कार्यक्रम प्रमुख ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि अपने आसपास को साफ रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये अभियान निरंतर चलने वाले आदतों में शुमार करके आप अपने आप में सेवा भाव का विस्तार भी कर सकते हैं। बहरहाल आज जरूरत है स्वच्छता ही सेवा का भाव किसी विशेष दिन या सप्ताह से आगे बढ़कर दैनिक जीवन में अपनाकर इस तरह के सेवा के मूल मंत्रों को समझने की। भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार पिछले दिनों चंडीगढ़ दूरदर्शन में चुनाव प्रसारण के मद्देनजर लॉर्ड्स ऑफ लॉटरी का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर हरियाणा राज्य से संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों ने लॉर्ड्स ऑफ लॉटरी के आयोजन में भाग लिया। विभिन्न पार्टियों ने संतोष व्यक्त करते हुए इस सफल आयोजन के लिए दूरदर्शन एवं हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को बधाई देते हुए कहा कि दूरदर्शन जैसे लोक प्रसारक की अहमियत आज भी बनी हुई है और बहुत ही फेयर तरीके से आज ड्रा हुआ है। इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं। उम्मीद करते हैं कि दूरदर्शन भविष्य में सभी पार्टियों को इसी तरीके से जो फेयर तरीके से सारे कार्य करेंगे। दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ पर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के लिए टेलीकास्ट का ड्रॉ बेहद निष्पक्ष तरीके से और सबकी सहमति से संपन्न हुआ है और आगे भी हमें दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ का इसी तरीके से सहयोग मिलता रहे। जो दूरदर्शन पे इलेक्शन प्रचार के लिए ये ड्रॉ निकाला गया, बड़े ही अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से ये निकाला गया, हम इस पे सारे सहमत हैं। दूरदर्शन पे जो ड्रॉ निकला, हम सभी लोग सारी पार्टियों के यहाँ उपस्थित थे और बड़े निष्पक्ष तरीके से जो है ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुआ और हम सभी लोग इससे सारी पार्टियाँ सहमत हैं। जो टेलीकास्ट के लिए ड्रॉ निकाला गया उससे मैं और हम सभी संतुष्ट हैं। Draw of slot was conducted in the presence of election officers and we people from eight parties were present. It was very fair, very cooperative or the program was conducted by Doordarshan was very nice. दूरदर्शन चंडीगढ़ के कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप ने उपस्थित सभी पार्टी प्रतिनिधियों एवं हरियाणा चुनाव आयोग को सफल एवं सौहार्दपूर्ण लॉर्ड्स ऑफ लॉटरी के आयोजन में सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। दूरदर्शन में विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि राजनीतिक चुनाव प्रसारण का ड्रॉ लॉर्ड्स ऑफ ड्रॉ निकाला गया जिसमें हरियाणा इलेक्शन कमीशन से श्री राजकुमार जी,
और पैक्स कोऑर्डिनेशन आलोक जी, इनकी क्या कहते देख रेख में आज जो ये ड्रॉ निकाला गया, इसमें हरियाणा की 6 पार्टी के नेताओं ने भाग लिया और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से और बड़े निष्पक्ष तरीके से ये लॉर्ड्स ऑफ ड्रॉ निकाला गया, जिसका प्रसारण हम 25 सितंबर से शुरू करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर राजकुमार भी उपस्थित रहे।